गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज निसार अहमद फ्रॉम सेंट जोसेफ स्कूल महाराजगंज। ये वीडियो क्लास टू के लिए है जिसमें आज हम लोग इवन एंड ऑड नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इवन इवन का मतलब होता है हिंदी में सम और ऑड का मतलब होता है विषम। इवन नंबर यानी वैसी संख्या जो टू यानी पेयर के फॉर्म में हो यानी दो दो के फॉर्म में हो उसको हम लोग क्या कहते हैं इवन नंबर, और वैसी नंबर जो दो दो के फॉर्म में ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं ऑड नंबर कहते हैं। जैसे कि दो बनाना, तीन बनाना, तो दो बनाना हमारा क्या हो गया इवन नंबर हो गया और तीन बनाना क्या हो गया तो ऑड नंबर हो गया, ठीक ना। तो आइए इसको पढ़ के एक बार और समझा देते हैं इसको। मनीषा हैड फोर बनानाज, मनीषा के पास चार केले हैं यानी 1 2 3 4 चार केले हैं। सी पुट देम इन ग्रुप ऑफ टूज, वह दो के ग्रुप में बांट देती है यानी टू बनानाज इधर और टू बनानाज इधर। सुकांत हैड फाइव बनानाज, सुकांत के पास कितना बनाना है तो पाँच बनाना है, ठीक है। ये पुट देम इन द ग्रुप ऑफ टूज, वह दो के ग्रुप में बांट देता है। एट लीस्ट ई इज लेफ्ट विथ वन बनानाज, अगर ये पाँच बनाना है और इसको दो ग्रुप में बांटा है, ठीक है, कितने ग्रुप में तो दो ग्रुप में बांटा है यानी दो इधर और दो इधर, चार हो गया, लेकिन एक जो हमारा बनाना है वो बच गया। तो ये जो हमारा नंबर कहलाएगा ये क्या कहलाएगा ऑड नंबर कहलाएगा, और इसमें यानी पूरा पूरा दो दो का पेयर लग गया तो ये हमारा क्या कहलाएगा इवन नंबर कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पे कितने हैं बॉल 1 2 3 4 5 6, इसको तीन भागों में बांटा गया है तीन के पेयर में, तो यहाँ पे भी टू हो गया, यहाँ पे भी टू हो गया, यहाँ पे भी टू हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया इवन नंबर हो गया। उसी तरह ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन है और इसको कितने के फॉर्म में बांटा गया है तो टू टू के फॉर्म में, तो एक तो पेयर लग गया, दो भी पेयर लग गया, तीसरा भी लग गया, चौथा भी लग गया, लेकिन एक पेयर में ये बाहर चला गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑड नंबर कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है द नंबर्स विच कैन बी पुट इन टू ग्रुप्स ऑफ टू इज पेयर और आर इवन, यानी वैसे नंबर जिसको हम लोग दो के फॉर्म में बांट सकें यानी दो के पेयर यानी जोड़ा के फॉर्म में रखें उसको हम लोग क्या कहते हैं इवन नंबर कहते हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 12, ये सब जो नंबर है ये इवन नंबर है। और द नंबर्स विच कैनॉट बी पुट इन द ग्रुप ऑफ टू पेयर्स आर कॉल्ड ऑड नंबर, और वैसी संख्या जिसको दो के पेयर के फॉर्म में नहीं रखा जा सकता उसको हम लोग क्या कर सकते हैं तो ऑड नंबर यानी विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13, ये जो नंबर है ये हमारा विषम संख्या है। अब चलिए इसको एक्सरसाइज 1G देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1G में पहला क्वेश्चन है मेक द ग्रुप ऑफ टूज एंड राइट इवन और ऑड। इसमें क्या कर रहा है कि इसको काउंट कीजिए, दो के ग्रुप में बांटिए और बांट के देखिए कि इसमें कौन इवन और कौन ऑड है। तो चलिए इसको बांटते हैं टू के पेयर के फॉर्म में, एक हो गया, दो हो गया, ये तीन, लेकिन एक क्या हो गया बच गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा ऑड कहलाएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे ऑड लिख देंगे। इसी प्रकार से इसको भी पेयर लगाते हैं, ये 1 2 3 और ये 4 हो गया यानी दोनों का यानी चार का पेयर लग गया तो ये हमारा क्या कहलाएगा इवन कहलाएगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार इसको लगाते हैं कि 1 2 3 4 5 6, ये भी पेयर लग गया तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा इवन कहलाएगा। इसको पेयर लगाते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 और एक पेयर नहीं लगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा ऑड कहलाएगा, ठीक। अब हमारा दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है कलर इवन नंबर्स ब्लू, यानी ब्लू कलर से इवन नंबर को कलर करना है और ऑड नंबर को ग्रीन कलर से कलर करना है, ठीक है। ये 1 जो है हमारा ऑड है, ऑड को जी से यानी जी से कलर कर दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 2 जो है हमारा इवन नंबर है तो इसको बी यानी बी लिख रहे हैं, इसका मतलब ब्लू से कलर कर देना है। इसी तरह से सबको ये समझ के और इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे के चैप्टर में हम लोग ऑर्डिनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसको नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा एक्सरसाइज 1G। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।